दशरथ का बनाया हुआ परांठा एकदम मस्त है यार। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ अपने गांव, तो गांव जा रहा हूँ इसलिए आज व्लॉग बनाना तो बनता है। आइए चाय पी लीजिए, आज की सुबह की चाय सोनी जी की तरफ से स्पेशल चाय, 7 बजने वाले हैं। और गाइस एक बात और, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा हो वो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो गाइस अभी हो चुका है टाइम 10:16 और मैं अपना रूम तैयार कर रहा हूँ, मेरा रूम तैयार हो चुका है और फिलहाल मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अपने नए ब्लॉग में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भैया जी आज खाने में बने आलू के पराठे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आलू के पराठे कुछ इस प्रकार बनाए जाते हैं। सोनू डार्लिंग बनाती है ये मसाला। तो गाइस भूख भी लगने लगी है, अभी पराठे बन रहे हैं तो फिर इसके बाद खाएंगे और काम पूरा होने के बाद नहाएंगे धोएंगे। तो अभी हम पूछने वाले रवि भैया से कि पराठे कैसे लग रहे हैं दही के साथ। आज हमारा भी मन किया इसलिए आलू के पराठे बना लिए। अच्छे लग रहे हैं दही के साथ, मजे आ रहे हैं। वाह मुंह जल गया गरम गरम का। दशरथ का बनाया हुआ परांठा एकदम मस्त है यार। सो गाइस यहाँ पर कोटा का जो हवाई अड्डा है वहाँ पर एक छोटा सा प्लेन है, तो अभी कोई उसको उड़ा रहा है, देख सकते हैं आप। सो गाइस मैं हो चुका हूँ अभी नहा धो के तैयार और अभी निकलने वाला हूँ, क्योंकि 5:15 में मुझे अपनी बस मिलने वाली है और अभी 4:42 हो चुके हैं, क्योंकि टंकियों में पानी खत्म हो गया था इसलिए ना नहाने में थोड़ा देर हो गया, तो अभी निकलते हैं। तो मुझे कोटा से गांव के रास्ते तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया, 7:30 बजने वाले हैं, यानी 7:28 चुके हैं। पता नहीं गांव में लाइट की भी समस्या है, तो लाइट भी आएगी या नहीं आएगी, अगर लाइट नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आज। तो कोई नहीं, चलिए अभी निकलते हैं, भैया को लगाते हैं, मतलब छोटे वाले भाई को लगाते हैं फ़ोन ताकि बाइक लेके आए, या फिर थोड़ी देर पैदल पैदल चलूँ, कोई गाड़ी आती है तो बैठ के चल देगी और क्या। सो गाइस 18-19 दिन के बाद में मैं मिस्टी से फिर मिलने वाला हूँ। दोस्तों बारिश का टाइम भी आ चुका है, तो बादल भी छाए हुए हैं अभी, और अभी सूर्यास्त तो हो चुका है, सूर्यास्त तो पीछे मेरे देख सकते हैं आप बादल कैसे हो रहे हैं। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घर पे और मिस्टी क्या करते हैं देखो अभी। क्यों रो रही है, किसने मारा तेरे को, क्यों रो रही है बिना मतलब के, कोई मार रहा है तेरे को? हाँ, वो मैं कहाँ से आई चा? बारह पटके जा।